कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री अभी तेलंगाना में बने 2 महीना पहले, जब भी अभी जुमा जुमा नया नया नेता बने, बनते के साथ कहा कि बिहार के लोगों का डीएनए है मजदूरी करना। तो जिस दल के नेता राहुल गांधी हैं, उस दल का मुख्यमंत्री बिहार के लोगों को एक तरह से गाली दे रहा है, कह रहा है कि हम लोग का डीएनए है मजदूरी करना। उसी दल के नेता राहुल गांधी आकर बिहार में कहेंगे कि सारे बिहार के लोग हमको समर्थन दीजिए, हमको वोट दीजिए, तो कौन बिहार का आदमी उन पर भरोसा करेगा और क्यों करेगा? भाई, तुम्हारा मुख्यमंत्री बिहार के लोगों को गाली दे रहा है, उस वक्तव्य पर आपने बिहार आने से पहले कुछ आधिकारिक तौर पर कहा नहीं, तो क्यों बिहार के लोग उनके साथ जुड़ेंगे? आप हमको गाली भी दीजिएगा और हम लोग से वोट भी लीजिएगा, दोनों बात कैसे हो सकता है? मेरे भाई तेजस्वी यादव जीप चला लें कि ट्रक चला लें, उनको कुछ नहीं होने वाला है। ये सब पिटा पिटाया बहुत दिन हो लिया, जनता ने देख लिया है। अब जो अपना समीकरण वगैरह है उसी के आधार पर, बाबूजी का दल है लालू जी का, उनका नाम है कुछ, उस समाज के कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उसके आधार पर अपना दुकान चला रहे हैं, उनको कुछ दिन और चलाने दीजिए। वो जीप चला ले, ट्रैक्टर चला ले, हेलीकॉप्टर चला ले, होना कुछ नहीं है। कई लोगों को लगता है कि आरजेडी यहाँ बहुत बड़ा मजबूत दल है। आप लोग ये नहीं देखते हैं कि आरजेडी का कभी वो स्थिति था कि बिहार झारखंड में 54 में 51 MP आरजेडी के थे, लालू जी की इतनी तूती बोलती थी। आज बिहार झारखंड को मिला लीजिए तो आरजेडी का 0 सांसद है, 0।